वेलकम चैंपियंस, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो भाई हम लेवल अप वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सरपेंट प्लाउलर अपने न्यू फीचर्ड चैंपियंस को रैंक अप करेंगे और लेवल अप करेंगे। तो भाई देखते हैं, मेरे को प्लाउलर मिला था जो हमारा भाई अवेकन भी हो चुका है, तो मेरे पास थोड़े टैक के आईएस ऊपर हैं तो इसमें डाल देते हैं वो। और अभी फ़िलहाल इस पर इतना ध्यान देंगे, हमने फ़िलहाल सरपेंट को रैंक 4 करने में भाई पूरे अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे हैं और लेवल 8 लगाए हैं भाई, वेस्ट क्या लगाए हैं पूरे सरपेंट पे ही। और लेवल 8 तक हमने इसको डाल दिया और इसको भी धीरे धीरे रैंक अप करेंगे और डस्ट को भी करेंगे। और पहले अब सरपेंट को देखते हैं, क्योंकि भाई सरपेंट मुझे चाहिए, क्योंकि जो एनिलस बॉस आया हुआ है ना विंट स्प्रिंग ऑफ सोरो के लिए, तो उसके लिए कॉस्मिक चैम्पियन में एक सरपेंट एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसके मेरे को पॉइंट लेने में और एनिलस को हराने में। तो सरपेंट को रैंकअप करना है भाई फ़ायदेमंद है, तो मैं करूँगा सरपेंट को रैंकअप और 4 पे करेंगे सीधा इसको। और साइंस में तो भाई मेरे पास सी हल्क और स्पोर्ट, ये क्या ये थोड़ी कम दिखा रहा है यार, बाकी कहीं चैंपियन आ गए। चलो रैंक 1 से लेकर वो वाले थे ये, चलो सरपेंट को रैंक अप करते हैं। और साइंस के पढ़े यार, पहले साइंस के किस में डालूँ यार, साइंस में कोई ढंग का चैंपियन भी नहीं पड़ा मेरे पास, किस में डालूँ साइंस में मैं। चलो पहले सरपेंट में जितने डाल सकते हैं उसमें सरपेंट में डालेंगे, फिर देखते हैं साइंस में हमारे पास कौन है और उसको भी देख थोड़े बहुत आईएसओ खाली करते हैं रोस्टर में से। लेवल 16 तक हमने इसको डाल दिया भाई, और आईएसओ भाई ऐसे टाइम लग जाएगा, पर साइंस में मेरे को सोचना पड़ेगा साइंस में किसको डाले, क्योंकि साइंस में जब भी जितने भी चैम्पियन मेरे पास पड़े सबको मैंने रैंकअप कर दिया है और साइंस में। और भाई मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरी न्यू आइडिया ना, तो मैंने उसमें मैपिस्टो जो एक्ट फोर का बॉस है ना मैपिस्टो, तो वो वीडियो मैंने बना लिया, वो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मैपिस्टो बॉस की। और क्या नाम है, उसके बाद अब डेली वीडियो आएगी न्यू आईडी से, और जिसमें अब न्यू आईडी में मैं करूँगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर भाई कैवेलियर पे अभी बने हैं या थ्रोन ब्रेकर पे है ना, तो मैं भी फटाफट कोशिश कर रहा हूँ ताकि कैवेलियर और बन पाऊँ और फटाफट आपको बॉसेस के मैं, क्योंकि भाई मैं तो सब बॉसेस को अब दूसरी बार ही मारूँगा और इजी है मेरे पास, क्योंकि मैंने 100% एक्सप्लोर भी कर रखे हैं हर एक्ट, तो मेरे लिए ईजी है बॉस को हराना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और भाई मैंने न्यू आईडी में हरक्यूलीज मेरे को 5 स्टार मिल चुका है, हरक्यूलीज 5 स्टार मेरे को मिला हुआ मिल गया भाई, और उसको मैंने रैंक 2 डाल दिया 5 स्टार में। और मेरे को विकन मिला था 4 स्टार में, तो मैंने उसको भी पूरा 5 रैंक 5 4 स्टार में मैक्स कर दिया है। और जल्दी जब रैंक 2 मतलब डे 2 वीडियो लेके आऊँगा ना, तो मैं पक्का दिखाऊँगा आपको और बताऊँगा भी मैं कौन से एक्ट पे कौन सा अब स्टार्ट करूँगा। और उसमें भाई हरक्यूलिस को रैंक अप करने में भाई बहुत गोल्ड लग रहा है, बताओ यार, स्टार्टिंग में इतना गोल्ड मिला भी नहीं और हरक्यूलिस को गोल्ड में बहुत भाई बहुत गोल्ड लग रहा है, बहुत। रैंक 2 पे डालने में मेरा सारा गोल्ड ख़त्म हो गया मेरे अकाउंट में, सेकंड अकाउंट में। और सरपेंट को भी फिलहाल इतना ही डाल पाया था क्योंकि ना मेरे ना गोल्ड ख़त्म हो गया था, देख ही सकते थे आप, तो अब थोड़ा बहुत गोल्ड का जुगाड़ हुआ है, तो सरपेंट को थोड़ा और रैंक अप कर देते हैं। तो ये एकन भी कर देते हैं सरपेंट को और डालते हैं इसको अब आगे। और थोड़े बहुत सिग्नेचर स्टोन भाई मैंने इकट्ठे करे हैं, थोड़े बहुत भाई सिग्नेचर स्टोन मेरे पास पड़े थे और ये थोड़े बहुत इसमें डाल देते हैं सरपेंट में। और भाई मेरे को ना 100 सिग्नेचर स्टोन वहाँ से मिले थे जब मैंने विंड स्प्रिंग और सोलो का मतलब एक पॉइंट कवर कर लिया था ना, तो 8-9 पॉइंट पे मेरे को 100 सिग्नेचर स्टोन मिले थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दूंगा मैं अभी, मेरे ख्याल से मैंने डाल दिए हैं या फिर अभी मेरे को मिलेंगे तो मैं अगले लेवल पर डालूंगा इसको। अभी बस भाई रैंक 2 मैक्स होने वाला है, थोड़े से ही इसको आईएसओ चाहिए। 68 भी कर देते हैं इसको, अरे यार गोल्ड की कमी हो रही है, अरे यार गोल्ड गोल्ड गोल्ड, अब अच्छा खासा गोल्ड भाई कमी, अच्छे खासे गोल्ड की कमी होने लग गई है यार। गोल्ड की वैसे कमी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन गोल्ड की कमी होने लग गई है। मैंने भाई जो वो है ना पैराकोन गाउंटलेट, वहाँ से 20 लाख गोल्ड मिला था ना यार, वो भी पूरा लगा दे सरपेंट के ऊपर, वो भी बेचारा गोल्ड मेरा पूरा ख़त्म हो गया। मेरे पास जितने गोल्ड के क्रिस्टल पड़े थे 200 मैंने सारे खोल ले, तो उसमें भी सरपेंट और बाकी सारे चैंपियंस को रैंक अप करने में भी गोल्ड ख़त्म हो गया यार, क्योंकि लेवल अप वीडियो इतनी जल्दी आ रहे, तो मैं करने भाई एक तो भाई मैं आईएसओ इतने बचा के रखता हूँ जो मेरे को बेचने पड़ जाते हैं, और फिर यार
एक तो लेवल अप वीडियो लेवल अप इवेंट भी नहीं आता, जिसके चक्कर में भाई मेरे कितने सारे ISO वेस्ट चल जाते हैं ऐसे ही, और ना पॉइंट्स कवर हो पाते हैं ना फिर ऐसे हो जाता है। और भाई मैंने 67 भी कर दिया इसको, और मैंने लेवल 22 तक शायद इसको डाल दिया था, तो देखते हैं हम इसको और लेवल अप करते हैं हम इसको सरपेंट को। लेकिन फिलहाल हमारा आर्केंजल भी पड़ा है, जिसको मैं अभी पूरा रैंक अप नहीं करा, रैंक 4 पर डाला था, पूरा लेवल अप नहीं किया था। और CGR को असेसेंट करने की सोच रहा हूँ मैं, बस 5 पॉइंट की कमी है, ये मैं कवर कर लूँगा कहीं से भी, और CGR को असेसेंट करूँगा मैं, क्योंकि CGR भाई बहुत काम आ रहा है इसमें। जो पिछले में आए थे मनी हिस्ट वाले चैम्पियंस में भी CGR बहुत काम आया था, और इस बार भी बहुत CGR काम आ रहा है, तो CGR को भी करेंगे। और भाई होकाई है जो ये नया इवेंट आया ना, डेली इवेंट आया हुआ है, सुपर सोलो डेली इवेंट जो आया हुआ है ये, जिसमें हमको 7 स्टार टाइटन के 150 क्रिस्टल भी मिलते हैं, तो उसका इवेंट के पॉइंट्स कवर करने के लिए ना, तो मैंने 7 स्टार चैंपियन को रैंक अप करोगे तो उसमें पॉइंट्स कब मिलते हैं, तो मैंने होकाई को भी रैंक अप कर दिया, लेवल अप कर दिया था, ताकि मेरे पॉइंट कवर हो सके पूरे। और लेवल अप भी मेरे ख्याल से आया हुआ है अब, तो लेवल अप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 14 तक डाल दिया हमने इसको। और इसको बस मैं भाई आगे कुछ नहीं करने वाला, लेवल रैंक 1 तक ही रखूँगा इसको मैं। और अब तो होकाई मेरा अवेकन भी हो चुका है, तो देखेंगे भाई होकाई को यार मैं इससे ज़्यादा रैंक अप नहीं करने वाला। और भाई अगर आपको ना क्या नाम है Act 7 बॉस कैंक की, अगर ऐसे बॉसेस की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो, मैंने तो बस अब एक्सप्लोर ही करना है। Act 8 मैंने 100% एक्सप्लोर कर दिया है, और उसकी वीडियो भी मैं बना के डाल दूंगा। और अगर Act 7 का भी आपको वीडियो चाहिए हर बॉस के ऊपर, कैंक बॉस हो गया, और जैसे बॉस का बॉस हो गया, Act 6 का बॉस हो गया ग्रैंड मास्टर, अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं डाल दूंगा। और भाई अभी मैं भाई सोच रहा था यार नेक्रो अभी स्टार्ट करूँ, लेकिन भाई मेरे फ़ोन की जिस तरह की हालत है ना, तो मैं नेक्रो तो अभी बिल्कुल नहीं खेलूँगा। नेक्रो के लिए मैंने ISO भी जमा कर लिया सारे, एगन को भी मैक्स कर लिया, और मेरे पास भाई ओडिन भी पड़ा है, निक फ्यूरी भी पड़ा है, जो भाई 6 स्टार का निक फ्यूरी मेरे पास पड़ा है पूरा रैंक 5, ओडिन मेरे पास 7 स्टार का पड़ा है, और पूरे मोक्सम मिडनाइट भी मेरे पास पड़ी है, जो सिनर्जी के लिए एगन के लिए चाहिए होती है, वो सारे मेरे पास भाई मैक्स पड़े हैं। तो भाई जब न्यू डिवाइस आएगा ना, फटाफट भाई नेक्रो ही एक्सप्लोर करूँगा मैं, ISO भी कोई कमी नहीं, ISO भी, और मेरे पास यूनिट्स भी तब तक मैं कर लूँगा 3-4 हज़ार जमा, जिससे मैं नेक्रो एक्सप्लोर कर पाऊँ और कंप्लीशन कर पाऊँ। उसमें सबसे पहले तो कंप्लीशन ही करूँगा, क्योंकि कंप्लीशन से भाई एक ना 2-3 का रैंक अप जैम मिलेगा मेरे को नेक्रो में से, जो मैं डालूँगा भाई मेरे ख्याल से मैं हल्क में, अभी पता नहीं यार किसका मिलेगा, लेकिन बेसिक का बेसिक जैम मिलेगा मेरे ख्याल से नेक्रो कंप्लीशन करने के बाद। और मेरे ख्याल से देखेंगे तब कौन सा चैंपियन हमारा 6 स्टार का 7 स्टार का होगा, जिसको हम रैंक 3 डाल पाएंगे। और फिलहाल तो अभी मैंने एक स्पाइडर हैम्प डाला हुआ था, क्योंकि मेरे को 2-3 का जैम मिला था साइंस में, जो मेरे पास साइंस में स्पाइडर हैम्प ही था, और मेरे ख्याल से वो काम का भी था, लेकिन पहले तब तक मुझे ना हल्क मिला था और कोई ना मेरे को क्या नाम है वो मिला था मिस्टर नेगेटिव मिला था, मैं मिस्टर नेगेटिव को भी रैंक 3 डाल देता, और क्या नाम है मिस्टर नेगेटिव भी अच्छा है, क्योंकि DGN का डैमेज बहुत तगड़ा देता है मिस्टर नेगेटिव अगर यूज इस्तेमाल करना आता है तो। और अभी जब तक मुझे स्पाइडर हैम भी था, तो मैंने स्पाइडर हैम को भी डाल दिया, तो अब जो अब मेरा अब तक अवेकन हो चुका है। और फिलहाल सरपेंट की बात करते हैं, तो ये रैंक 3 इसको मैक्स करते हैं, और गोल्ड देखो भाई थोड़ा बहुत जमा करके आया हूँ मैं यार, ये मुश्किल से 1 लाख गोल्ड ही जमा हो पाता, इतना गोल्ड जमा नहीं हो पा रहा। और ये भाई थोड़े देखो डेली सुपर इवेंट भी हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना, और भाई डेली सुपर इवेंट को कंप्लीट करने का इजी वे बताता हूँ मैं आपको, अगर डेली सुपर इवेंट आपने कवर करना है ना, तो भाई बैटल ग्राउंड खेलो। मैंने बैटल ग्राउंड खेलते खेलते ना मैं Platinum 2 पे आ गया हूँ, Platinum 2 या Platinum 3 पे हूँ मैं बैटल ग्राउंड में इस वक्त, जो ये वीडियो बना के मैं अभी तक डाल रहा हूँ ना, मैं बैटल ग्राउंड में Platinum 2 या 3 पे आ चुका हूँ, बस वो ये डेली सुपर इवेंट कवर पॉइंट्स कवर करने में। बैटल ग्राउंड के बस 3 मैच खेलने होते हैं, 3 मैच जीतने हैं आपने, और आप क्या नाम है तीनों के तीनों पॉइंट ईजिली कवर हो जाएंगे, और जल्दी और आराम से। इसलिए मैंने बैटल ग्राउंड खेल खेल के मैं बैटल ग्राउंड में भी बहुत आगे आ गया हूँ, और मेरे डेली ये इवेंट भी कवर हो रहे हैं, जब तक है तब तक तो भाई पूरा कंप्लीट करूँगा। और न्यू ID में भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी उसको भी पार करके फटाफट उसमें भी ग्रैंड मास्टर पहुँचें और बॉस मतलब वो ख़त्म करें। और यार सरपेंट रैंक अप नहीं होने आ रहा यार एक, और ये 140 सिग्नेचर पड़े हमारे पास, ये भी डाल देते हैं इसमें, और हमने इसको 114 सिग्नेचर पूरा कर दिया हमने, और देखते हैं अभी थोड़ा मेरे ख्याल से रैंक अप और करना। और भाई इसके ना आगे जो मैंने लेवल अप वीडियो बनाई थी ना साली, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मैंने ना सरपेंट को पूरा मैक्स कर दिया था, तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन भाई जब जाके देखा ना तो साली वीडियो ही नहीं बनी हुई थी, वीडियो ख़त्म, वीडियो लॉस्ट हो गई थी, बताओ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
और भाई टाइगर हमको मिली थी, एक मैंने मिस्टिक नेक्सिस खोला था तो उसमें से टाइगर मिली थी। टाइगर को भी अवेकन करके फटाफट रैंक अप करूँगा क्योंकि टाइगर अभी बहुत अच्छी चैंपियन है। और भाई अगर ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं लेवल अप की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।